नवंबर 2022 में बाली शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी जी को G20 की अध्यक्षता के लिए हथौड़ा सौंपा गया था। 1 दिसंबर 2022 से ही देश भर में इससे जुड़े कार्यक्रम शुरू कर दिए गए। ये कार्यक्रम 30 नवंबर 2023 तक जारी रहेंगे, यानी कि दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को जो G20 सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, इसके बाद भी ये जो कार्यक्रम है ये चलते रहेंगे और आपको लगातार देखने के लिए मिलेंगे। G20 होता है ग्रुप ऑफ 20, यानी कि उन 20 देशों का समूह जो साल में एक बार सम्मेलन करता है, इकट्ठा होता है और कई मुद्दों पर चर्चा करता है। ये दुनिया भर के आर्थिक मुद्दे होते हैं, इसमें जलवायु परिवर्तन का मुद्दा शामिल होता है। इसके अलावा सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, भ्रष्टाचार विरोध और पर्यावरण जैसे मुद्दे भी इन चर्चा में शामिल होते हैं। जो देश इस सम्मेलन की अध्यक्षता करता है, जैसे भारत इस बार कर रहा है, तो उसका प्रमुख काम होता है कि किसी विषय विशेष के प्रति सभी देशों के बीच एक आम सहमति बनाना और उसको अमल में लाना। भारत को G20 से क्या फ़ायदा होगा, ये सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा। तो हम बता दें कि भारत को आज़ाद हुए आज 76 साल हो चुके हैं। इस दौरान हमारे देश ने कई उपलब्धियां हासिल की है। हम आज कई क्षेत्रों में टॉप 5 में आ चुके हैं, तो कई में टॉप 3 में शामिल है। इन जगहों के बावजूद भी भारत को ग्लोबली एक विकासशील यानी कि डेवलप्ड कंट्री में गिना जाता है, डेवलपिंग कंट्री में। इसलिए G20 एक ऐसा फोरम है जहां भारत अपनी श्रेष्ठता को और बेहतर ढंग से बता सकेगा। इसके साथ ही पीएम मोदी का अगर हम लक्ष्य जानना चाहें या उनके लक्ष्य की बात करें, तो देश की आज़ादी के 100 साल जब हम मना रहे होंगे, तब 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र होगा। दुनिया को बताने की ज़रूरत होगी कि भारत दुनिया का एक वैश्विक नेता बन चुका है और एक ग्लोबल लीडरशिप की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ऐसे ही भारत ने समय समय पर अपना लोहा मनवाया है और विकसित देश से उन्नत संसाधनों के बावजूद भी वो मुकाम हासिल किया है जो विकसित देश हासिल नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं G20 का एक मकसद भारत को ग्लोबल लीडर बनाना भी ज़रूर रहेगा। रवि सिंह चौहान नाम है हमारा। आप क्या करते हैं सर? मैं स्टडी कर रहा हूँ फिलहाल लॉ की। और ये बताइए, जो अभी गाजियाबाद सजा हुआ है, झंडे लगे हुए हैं, विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए बोर्ड लगे हैं, कैसा लगता है गाजियाबाद निवासी के रूप? देखिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है और आज हमारे देश के अंदर काफ़ी विदेशी आ चुके हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया है और कई केंद्रीय मंत्रियों ने आज एयरपोर्ट पर पहुंचकर उनका भव्य स्वागत किया है। इससे जो आने वाले विदेशी थे वो भी काफ़ी खुश हुए हैं कि भारत की सभ्यता जो है आज भी बरकरार है, जैसा कि इतिहासों में लिखा है। इसी बीच अगर हम आपको गाज़ियाबाद की बात करें, तो गाज़ियाबाद के अंदर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो मेरे ऊपर जो आप तस्वीर दिखाएंगे, तो वो झंडे जो लगे हुए हैं वो सभी देशों के यहाँ पर झंडे लगाए हुए हैं, यानी कि हम सभी देशी देश के वासियों का, जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री हमारे जो हैं वो सभी विदेशियों का सम्मान करते हैं। और इसी बीच आप जो G20 जो समिट जो है आज गाज़ियाबाद में देखा गया है, जिस तरह से दृश्य दर्शाया गया है कि जो G20 के मेहमान जो दिल्ली के अंदर आएंगे उनका उन पर स्वागत किया गया, उसी बीच आज दिल्ली के अंदर जो G20 समिट जो है वो जारी है। इसी बीच लगातार ग्लोबल को जो हमारे बढ़ावा मिलेगा, आर्थिक व्यवस्था भारत सुधरेगी और भारत एक लीडरशिप के लिए काम करेगा। G20 हिंदुस्तान में हो रहा है, भारत में हो रहा है, ये सबसे बड़ी गर्व की बात है, गौरव की बात है और शान की बात है। और मैं खुद गाज़ियाबाद में रहता हूँ, तो चहल पहल सिर्फ दिल्ली में नहीं है, गाज़ियाबाद में भी है। साफ़ सफाई, सजावट, लोगों में उत्साह, सब में सब कुछ देखने को मिल रहा है। भारत को क्या मिलेगा G20 होस्ट करके? देखो, एक तो हमारे यहाँ मेहमान तो आ ही रहे हैं, बिजनेस भी आएगा, इन्वेस्टमेंट भी आएगा और जो है हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, नए नए रास्ते खुलेंगे, मॉडर्नाइजेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ग्लोबलाइजेशन होगा, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलेगी G20 जब यहाँ पे हो रहा है।